प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, अर्थात दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होती है। सबसे पहले मैं आपको सर्वांग सम का मतलब समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास ये दो नोट है, ये 500-500 के दो नोट है। मैं आपको नोट दिखाने के लिए नहीं कर रहा। यदि मैं इस नोट को दूसरे नोट के ऊपर रखता हूं तो पहला नोट दूसरे नोट को पूरा पूरा ढक लेता है। इन दोनों नोट की शक्ल और साइज बराबर है। सर्व अंग सम, यदि आप इसकी हिंदी को तोड़े, सर्व अंग सम, जिसके सारे अंग समान होते हैं वो सर्वांग सम कहलाता है, कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें। अब मान लीजिए मैं ये एक नोट 500 वाला इस 2000 के नोट के ऊपर रखूं, आप देखेंगे आपको पीछे से 2000 वाला नोट कुछ हिस्सा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? ये सिमिलर तो है, एक जैसे तो है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये नोट इस नोट को पूरा पूरा नहीं ढक पाया, तो ये दो नोट सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम खाली त्रिभुजों में नहीं होती, दो चीजें जिनकी शक्ल और साइज एक जैसा होता है वो सर्वांग सम कहलाती है। अब हम बात करेंगे त्रिभुजों के बारे में। ये त्रिभुज एबीसी दूसरी त्रिभुज डीईएफ ट्रायंगल एबीसी या त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीईएफ, ये जो सिंबल है ये सर्वांग सम का सिंबल होता है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के यदि क्या है? सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होता है? कोण ए कोण डी के बराबर होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, साथ में कोण सी कोण एफ के बराबर। इसका मतलब आप कह सकते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत का मतलब कोण ए कोण डी के बराबर होगा, तो पहले नंबर पर लिखा होगा, कोण बी कोण ई के बराबर होगा, कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया सर्वांग समता क्या होती है, भुजा ए बी भुजा डी ई के बराबर होगा, नेमिंग के अकॉर्डिंग ही भुजा ए बी भुजा डी ई के बराबर होगी, भुजा बी सी भुजा ई एफ के बराबर होगी, ये बी सी भुजा भुजा ई एफ के बराबर होगी, भुजा ए सी भुजा डी एफ के बराबर होगी। तो ये तो क्या हुआ कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगी तो उनके संगत कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर। तो ये आप समझ गए होंगे क्या होता है सर्वांग सम। वे दो त्रिभुज जिनके सारे अंग समान हैं त्रिभुज क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। तो ये अब आप समझ चुके हो। अब मैं अगली बात पर आता हूं। हमें कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं? इसके लिए चार प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसएस। सबसे पहले बता दूं, एस का मतलब क्या है? साइड, जिसको आप हिंदी में भुजा कहते हैं। ए मैं लिखूंगा, ए का मतलब एंगल, एंगल का मतलब कोण है। एसएसएस का मतलब जब दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं, पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, इससे त्रिभुज सर्वांग सम होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी एस ए एस, मतलब जब दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और बीच वाला कोण बराबर होगा तब भी त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तीसरा ए एस ए, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, इससे भी त्रिभुज क्या होती है? सर्वांग सम होती है। चौथा आर एच एस, आर का मतलब यहां पे क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जो कोण 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, जिसे आप कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या होता है मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल, ये कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। ये आधार है और ये इसका लंब है। तो आप समझ गए होंगे कर्ण का मतलब मेरा क्या है। जो
भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने होती है तो कर्ण कहलाती है। आर का मतलब राइट एंगल अर्थात कोण क्या होना चाहिए 90 डिग्री। मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूं, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर होगी तो त्रिभुज सर्वांगसम होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, जब दो भुजाएं और बीच वाला कोण बराबर होगा तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होगी। जब दो कोण और बीच वाली भुजा बराबर होगी तब भी त्रिभुज सर्वांगसम होगी। आरएचएस प्रॉपर्टी, एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, एक भुजा बराबर होना चाहिए तो भी त्रिभुज सर्वांगसम होगा। मैं एक बार आपको इनके चित्र बना के दिखा देता हूं। पहली प्रॉपर्टी SSS, मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बनाई ABC, दूसरी त्रिभुज मैंने एक और बनाई DEF, मान लीजिए ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं इन त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो इस पर प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? SSS लग रही है। इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज सर्वांगसम है। अब मैं आता हूं साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी पे, तो मतलब आपको समझा दूं चित्र बना करके। मैंने एक त्रिभुज बनाई ABC, दूसरी एक और त्रिभुज बना रहा हूं DEF। अब जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं साइड एंगल साइड, मान लेते हैं ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, ये एंगल 50 डिग्री का है, ये एंगल 50 डिग्री का है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है। तीसरी प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल, उस पर यदि मैं आपको समझाऊं, ये मैं त्रिभुज बना रहा हूं ABC और दूसरी त्रिभुज एक और बना दी मैंने DEF। अब जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण, मान लेते हैं ये कोण 50 डिग्री का है, ये भी 50 डिग्री का है, ये भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, ये कोण 40 डिग्री का है, मान लेते हैं ये भी 40 डिग्री का है। अब आप पाएंगे ये तो त्रिभुज सर्वांगसम है लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण, ये कोण, ये भुजा, ये कोण। अब इसका मतलब ये ध्यान रखेंगे जो भुजा है इन दो कोणों के बीच में होनी चाहिए और कोई भुजा नहीं, अब किसी एक भुजा होने नहीं पाएंगे। तो एंगल साइड एंगल कोण भुजा कोण से भी त्रिभुज क्या होती है? सर्वांगसम होती है। अब मैं अगली प्रॉपर्टी पर आ रहा हूं जिसको मैंने क्या नाम दिया था? RHS प्रॉपर्टी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड अर्थात समकोण त्रिभुज, कर्ण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। अब मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ABC, दूसरी एक और त्रिभुज मैंने बनाई PQ। आप देखेंगे ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का, अर्थात राइट एंगल है दोनों का, कर्ण बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं ये कर्ण 5 सेंटीमीटर है, ये कर्ण भी 5 सेंटीमीटर, एक कोई भी भुजा बराबर होनी चाहिए। लेट अस सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? है ये तो त्रिभुज सर्वांगसम, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से? RHS प्रॉपर्टी से। तो ये 4 तरीके हैं, ये 4 प्रॉपर्टी है जिससे हमारी त्रिभुजें क्या हो सकती है? सर्वांगसम या आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप आगे से पहचान पाएंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करना चाहूंगा, नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम आप पढ़ेंगे, मैं उस थ्योरम के बारे में बस हल्का सा बताना चाहता हूं आपको। ये त्रिभुज ABC, ये भुजा AB भुजा AC के बराबर है, तो क्या हो? इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। आप देखिए भुजा AB के सामने जो कोण है वो कोण C,
भुजा एसी के जो सामने जो कोण है वो कोण बी है, तो जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, उल्टा भी होता है। यदि कोण बी कोण सी के बराबर है तो भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर होगी। तो ये आप समझिए, जब एक त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं, उन सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसे आप यदि प्रूव कर पाएंगे, ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको आप इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल थी, समद्विबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता है। वैसे तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, लेकिन अब मैंने क्या कहा, भुजा ए बी भुजा ए सी के बराबर है, तो कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के। भुजा बी सी भुजा ए बी के बराबर है, इसका मतलब ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी बराबर है, तो कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भुजा इसके बराबर है तो कोण ए कोण बी के बराबर हो जाएगा। इसे यह सिद्ध हो गया कि ये तीनों कोण बराबर है, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो अतः समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का। मैं उम्मीद करता हूं ये जो आज मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया त्रिभुज के बारे में, 9th का टॉपिक है आपका, बड़े ध्यान से इसे सुने और समझे, बार बार देखे, बार बार यदि कोई दिक्कत हो उसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।